नमस्कार दोस्तों, AMT क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। आज के वीडियो में हम देशज, विदेशी और आगत शब्दों के बारे में जानेंगे। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वह शब्द हैं जो हमारे देश के क्षेत्रीय भाषाओं से, बोलियों से निकल कर आते हैं। इनका हमें मूल रूप तो पता नहीं होता, लेकिन इन्हें हम अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। डिबिया, खिचड़ी, लोटा, कटोरा, जूता, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से निकल कर आते हैं और इन्हें हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे देशज शब्द हैं। दूसरी तरह के शब्द होते हैं हमारे विदेशज शब्द। विदेशज शब्द या विदेशी शब्द वह शब्द होते हैं जो बाहर की भाषाओं से निकल कर आए हैं, जो कि तुर्की, फारसी, अरबी या अंग्रेजी के शब्द हो सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स, इनके कुछ उदाहरण, अजब, अमीर, किला या स्कूल, ये सारे शब्द कैसे होते हैं जो बाहरी भाषाओं से निकल कर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये अरबी, तुर्की, फारसी या अंग्रेजी के शब्द ज़्यादातर होते हैं। इन सभी शब्दों को विस्तार से समझाते हुए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि हमारी 60 वीडियो की मात्राओं की लिस्ट का वीडियो नंबर 50 है। वो आप AMT क्लासेस पर जाकर वीडियो नंबर 50 देख सकते हैं इनकी डिटेल नॉलेज लेने के लिए। अगले हमारे शब्द हैं नुक्ता वर्ण। नुक्ता वर्ण क्या होते हैं? नुक्ता वर्ण वह वर्ण होते हैं जो शब्द के नीचे निशान लगा होता है, एक बिंदी सी लगी होती है। जैसे जैसे हमारा होता है ज, तो ये किसके आवाज़ निकलता है? ज की। तो ये नुक्ता वर्ण होते हैं। ये देवनागरी लिपि के साथ साथ गुरुमुखी की लिपि में भी लिखा जाता है कई सारे शब्दों के साथ। यह मुख्य रूप से अरबी भाषा के शब्द होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्श, राज, जहाज, जरा, जख्म। ये ऐसे शब्द हैं जहाँ पे ज का उच्चारण ज के रूप में किया जाता है। यही नुक्ता वर्ण होते हैं। इनके लिए भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो का नंबर है वीडियो नंबर 51। तो हिंदी की जितनी भी मात्राएं होती हैं, जिनके अंतर्गत हिंदी की सभी चीज़ें सिखाई जाती है, उन सभी चीज़ों का हमने 60 वीडियो का कोर्स बनाया हुआ है। और अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों से सवाल पूछे थे कम्युनिटी पोस्ट पर इन्हीं चीज़ों से लेकर, जिसमें से 10 के करीब सवाल थे, लेकिन 10 में से 8 या 9 सवालों के गलत जवाब दिए थे और कई 100 लोगों ने गलत जवाब दिए थे। इसीलिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप तीनों चीज़ों को एक वीडियो में इसका अपडेट देते हुए एक वीडियो बना दीजिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो नंबर 50 और वीडियो नंबर 51 ज़रूर देखें आगत वर्णों को और नुक्ता वर्णों को देखने के लिए। आगत वर्ण एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आगत वर्ण वह वर्ण होते हैं जो बाहरी भाषाओं से लेकर हमारी हिंदी के अंतर्गत आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की और जानकारी चाहिए तो हमारे AMT क्लासेस से जुड़ सकते हैं और हिंदी के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शुरू से इंग्लिश सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सभी वीडियोस को फॉलो करें।